नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में BA LLB प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं सोचता हूँ 12वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि कैरियर का चुनाव कैसे करें। उसी प्रकार 10वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करें। पेरेंट्स बच्चों की रुचि को ना समझते हुए उन्हें साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए बाध्य करते हैं। कृपया हमें इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शांभवी शुक्ला, जो कि एक छात्रा हैं, आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। नमस्कार सर, दिस इज शांभवी शुक्ला, स्टूडेंट ऑफ BA थर्ड ईयर, वसंता कॉलेज, राजघाट, BHU, वाराणसी। सो माय क्वेश्चन इज, इट इज़ द टाइम फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ माय मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम, सो सर प्लीज गाइड मी फॉर अक्वायरिंग बेटर जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू वेरी मच सर। मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। हम बैचलर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का ये एक नया दौर है। बेहतर नौकरी तथा कोर्स को पाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, कुछ लोग लिख सकते हैं, कुछ लोग गाना गा सकते हैं, कुछ लोग डांस कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मैथ्स कर सके, साइंस कर सके, जो हमारे देश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है मैथ्स और साइंस करना। तो हम अपने माँ बाप को ये कैसे समझाएं कि अगर हम नहीं कर सकते हैं मैथ्स या साइंस तो हम किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में अच्छे ना हों। तो अपने माँ बाप को ये कैसे समझाएं कि अगर हम नहीं कर सकते हैं मैथ्स या साइंस तो हम किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में अच्छे ना हों। माननीय, कृपया इस बारे में हम सबको प्रेरणा दें। आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। ऐसे समय एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। लोग अपने अपने अनुभव की बातें बताते रहते हैं, माँ एक सुझाव देगी तो पिताजी दूसरा सुझाव देंगे, तो अंकल तीसरा सुझाव देंगे, तो मोहल्ले के दोस्त और चौथा सुझाव देंगे, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूज होने के पीछे एक कारण ये है, हमें अपने विषय में पता है क्या, मेरा अपना पैशन क्या है, मेरी रुचि किस में है, और मैं मेरी रुचि के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूं क्या, मेरे सपने क्या है, वो बात की बात है, पहले मेरा पैशन क्या है, और उसके बाद आप मां बाप को भी कन्विंस कर सकते हैं। देखिए, 8वीं कक्षा में मैंने इसमें ऐसा किया था, 9वीं मैंने ऐसा किया था, मेरे टीचर मुझे बता रहे थे। उस समय तहसील के अंदर जब कंपटीशन था तो मैं गया था, मैं ये करके आया था। मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये ताकत है। कभी हमने अपने टीचर, जिसके प्रति हमारा लगाव हो, उनके साथ बातें करनी चाहिए कि साहब आप मुझे 4 साल से पढ़ा रहे हो, मुझे देखते हो, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि टीचर समय नहीं देते हैं, अगर कोई विद्यार्थी टीचर के प्रति आत्मीय भाव से जुड़ता है तो उस टीचर को भी लगता है हाँ इस विद्यार्थी को मैं समय दूं, उसको उसको गाइड करूं, उसको भी लगता है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का नहीं होता है कि कोई आपको क्या कहता है, माँ बाप क्या कहते हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं, ये समस्या है। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या। मुझे बराबर याद है, मैं बहुत साल पहले बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जाया करता था स्टूडेंट से परिचय करने के लिए। ये कोई मैं 77, 78, 79 के कालखंड की बात कर रहा हूँ, तो उनसे मिलता था, बैठता था, बात करता था। तो मैं ऐसे ही उनको कभी पूछता था कि आपका मन में इरादा क्या है, क्या सोचते हैं, तो ज्यादातर बच्चे जवाब देते थे एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं, आगे का पता ही नहीं उसको, एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं। एक बार मैं पूछ रहा था तो एक बच्चा वहां गुजरात के बाहर का था, वो वहां पढ़ता था, उसने कहा आई वॉन्ट टू रूल। मैं रहा था, बोले मैं तो आई वॉन्ट टू रूल। तो मैंने कहा क्या राजनीति में जाना चाहते हो क्या? नहीं, बोले राजनीति में नहीं जाना है।
बोले मुझे बाबू बनना है, बाबू ही तो बोले शासन करते हैं, राजनेता तो बोले आते हैं जाते हैं। मुझे इस मैं ये 40 साल पहले की घटना इसलिए सुना रहा हूं, उस बच्चे को इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। और बाद में मैंने जरा जानकारी ली तो मैंने सुना कि वो वैसे ही गवर्नमेंट सिस्टम में ही चला गया और अच्छी पोजीशन पे वो पहुंचा था। उसके जो दोस्त लोग थे उनसे मैंने सुना था। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, फेथ इन कन्विक्शन। मेरा कन्विक्शन में मेरा विश्वास होना चाहिए एंड कैरेक्टर टू एक्ट, उसके अनुसार काम करने वाला मेरा जज्बा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी समय, ये अगर हम डेवलप करें तो हम आसानी से उस दिशा में जा रहे हैं। साइंस मैथ्स उसका एक अपना महत्व है, लेकिन बाकी स्ट्रीम का महत्व नहीं है। ये जो हमारे देश में सोच बनी है वो ठीक नहीं है। साइंस और मैथ्स में हमारे महत्व होने के बावजूद भी जितनी मात्रा में वहां लोग जाने चाहिए नहीं जाते हैं, चिंता का विषय है। और उसका कारण है कि प्रारंभिक काल में उसको उस प्रकार का जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो हमारे यहाँ शायद कुछ कमी है। और उसके कारण कुछ टीचर्स ने, कुछ स्कूल ने, कुछ अभिभावक ने स्पेशल इंटरेस्ट लेकर के इन चीजों को डेवलप किया तो बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं ठीक है भाई, ग्रेजुएट के कारखाने में चले जाएंगे, उधर से कारखाने से निकलते जाएंगे, यही चलता रहता है। और इसलिए आपकी ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप दबाव में आकर के मत सोचिए, आप अपनी क्षमता के आधार पर और उसमें किसी की मदद भी लीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप पर बिल्कुल सच्ची होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका अपना जजमेंट गलत हो, लेकिन अगर खुल करके बात करोगे तो शायद आपको सही मार्गदर्शन आपके अगल बगल के लोगों से मिलेगा।